हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेदश्री क्रिएटिव मॉम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का DIY। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेस्ट मटेरियल से DIY, जो कि घर में ही बहुत ईजिली बना सकते हैं और जो घर में पड़ा हुआ सामान है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओ, मुझसे ये मोमबत्ती गिर गई। ओफो, ऐसा तो होता ही रहता है वीडियोज़ में, कुछ लोग नहीं दिखाते और मैं दिखा देती हूँ जो रियलिटी होती है वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है एक मोमबत्ती और ये लिया है मैंने एक पेचकस। तो मैंने मोमबत्ती को जला लिया है, इसको मैं गर्म करूँगी पेचकस को। गर्म करने के बाद जो ये बॉटल का ढक्कन है ना, इसमें बीचों बीच एक पॉइंट दिया हुआ है जो कंपनी से ही आता है पॉइंट। तो आपको छेद करते समय कोई वो नहीं होगा कि मैं बीच में कैसे करूं, कि मार्क नहीं है करा हुआ है कुछ भी, तो वहां पर बना हुआ है निशान। तो वहीं पर मैं उसी की सहायता से बीचों बीच सेंटर में होल करूंगी। और इसमें होल हमें ऐसा करना है जो कि थोड़ा बड़ा हो ना छोटा हो। अगर छोटा होगा तो इसमें सुई और ये जो मैं बनाने जा रही हूँ जिससे इसको पूरा डेकोरेट करूँगी तो वो गोटा इसमें नहीं फंसेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा छेद करना है, इसमें बड़ा होल करना है। और बड़े होल करने के बाद इसको हम गोटे की सहायता से जो है पूरा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी ले लिया है, दोनों में मैंने होल कर लिए हैं बराबर से। और अब मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ गोटा, जिसको मैंने इसकी किनारी को पतला कर दिया है ताकि मैं इसमें अंदर से डाल सकूँ और इसको पूरा कवर कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिए। नॉट लगाने के बाद अब हम इसको ऊपर से ही डालेंगे और नीचे से निकाल देंगे और इसको करते 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 पूरा का पूरा अराउंड इसको ऐसे ही हम कवर कर लेंगे। अब इसमें गोटा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपकी ये बनकर जब तैयार होगी ना तो इसका लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने घर के सामान से बनाई है, कोई भी पहचान नहीं सकता कि आपने किससे बनाई है। तो देखिए ऐसे ही गाइस हम इसे पूरा होल कवर कर लेंगे और करते 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 इसको मैं पूरा डेकोरेट कर लूँगी। और जब करने के बाद इसमें हम कुछ मिरर्स लगाएंगे और यहाँ पे पूरा कवर हो गया, इसमें मैंने एक मिरर्स लगा दिया है। अब दूसरी में मैं दूसरा मिरर लगाने जा रही हूँ। मैं चिपकाने के लिए यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो जल्दी सूखता नहीं है। मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फेविबॉन्ड अगर थोड़ा सा भी आप इसमें हवा लगा देंगे तो ये इजीली चिपक जाएगा बहुत जल्दी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर गैपिंग के हिसाब से थोड़ी गैपिंग के हिसाब से मिरर्स लगाए हैं, फिर नीचे मैंने स्क्वायर शेप के लगाए हैं, फिर सबसे लास्ट में मैं छोटे छोटे स्टोन्स ले रही हूँ जो कि मैं नीचे साइड में रोल पूरा कर दूँगी, कवर कर दूँगी। और मैंने यहाँ पे डार्क कलर के स्टोन्स लिए हैं, बहुत छोटे स्टोन्स हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है इनको लगाने में, लेकिन जब लगा लूँगी तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे तो इसकी शोभा इससे थोड़ी बढ़ जाएगी। और देखिए गाइस यहाँ पे मैं पूरा लगा करके इसको तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब ये लग चुके हैं मेरे, एक एक करके मैं लगा रही हूँ। मैंने फास्ट शुरू कर दिया करना काम और यहाँ पर ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अब लूँगी यहाँ पर मैंने अब स्टार्ट कर दिया है आगे का प्रोसेस। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सुई और धागा। धागा थोड़ा आप मोटा लीजिएगा जो थोड़ा मजबूत हो, जल्दी टूटे ना। तो मैंने इसके अंदर पहले से ही नॉट लगा करके इसको बेल को तैयार कर रखा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नॉट थोड़ी पतली है तो मुझे एक और नॉट लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसमें एक और दो नॉट और लगा ली है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा नॉट लगा सकती हैं। इसमें कुछ और भी अंदर से फंसा करके और इसको इसकी सहायता से अटका सकते हैं क्योंकि इसका होल थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ पे कुछ वाइट सिल्वर कलर के ले रही हूँ पर्ल्स जो कि मैं नीचे इसको लटकाने में हेल्प करूँगी। अब मैं ऐसे ही करते करते तीन ऊपर लूँगी मैं पर्ल्स और बीच में मैं चार जो है रेड कलर के लूँगी, डार्क रेड कलर के पर्ल्स लूँगी, फिर मैं तीन वाइट और सिल्वर कलर के पर्ल्स लूँगी, उसके बाद फिर मैं चार मिरर्स लगाऊँगी ऊपर नीचे और उसके बाद फिर मैं उसमें रिबन को
अटैच करती जाऊंगी फ्लावर की शेप में। तो यहाँ पे मैंने ये मिरर्स लगाने के लिए तैयार हो गई हूँ और मैंने ये फेविबॉन्ड इसमें लगा दिया है और मैंने इसको ये चिपका दिया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं रिबन, चाहे तो आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड और पिंक कलर का लिया है और दोनों को बराबर बराबर से इसको ऐसे ही सुई की सहायता से प्रोती जा रही हूँ बीच में बिल्कुल सेंटर में, और इसको ऐसे रोल रोल कर देंगे तो इसमें एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर पल्स स्टार्ट कर दिए हैं और फिर उसके बाद में फिर मैंने रिबन यूज़ कर दिया है, रिबन लगाना स्टार्ट कर दिया है, फिर मैंने पल्स किए। तो ऐसे करते करते हम पूरी झालर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में जो है मैंने यहाँ पर लिया है एक जो इसका ढक्कन है ना पिंक कलर का, उसकी बॉटल का अंदर जो एक सर्कल में होता है ना उसमें एक राउंड शेप में बनकर आता है, तो उसी मैंने बॉटल का राउंड शेप वाला निकाल लिया है। उसको मैंने दो भाग में कट कर लिया है, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको मैंने उसको कैसे यूज़ किया है इसको लटकाने के लिए, उसका सर्कल जो है होल बनाने के लिए हैंग करने के लिए मैंने कैसे यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर की ले लिया है, मैंने इसको दो पार्ट में कर लिया और ये छोटे छोटे दो सर्कल बना लिए, मैंने दो छल्ले बना लिए छल्ले टाइप से, और मैंने मोमबत्ती की सहायता से इसे गर्म करके आपस में चिपका दिया है। ये बहुत बड़ा था इसके मैंने दो बनाए हैं, एक का दो यानी कि तीन के मैंने छः बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर पांच लड़ियाँ बनाई हैं, झालर बनाई है, और देखिए गाइस यहाँ पर ये सर्कल बन करके मेरा इसका छल्ला तैयार है। अब इसको हम धागे की सहायता से इसमें बांध लेंगे और बांधने के बाद ये तैयार हो जाएगी हमारी झालर। और गाइस ये घर में ही पड़े सामान से सब कुछ आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत अच्छे से DIY कर सकते हैं। तो घर में पड़े हुए सामान से यूज़लेस सामान को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइएगा गाइस कि आपको मेरा ये आज का DIY कैसा लगा, और शेयर कमेंट एंड लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे मना ही करना पड़ेगा भाई सब्सक्राइब मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी, है ना। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर मेरा फ़ायदा ही क्या है YouTube पे बनाने का वीडियो, है ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ये बेल आइकन जो है ना सब्सक्राइब का ये दबा दिया कीजिए प्लीज़, ना कोई टैक्स नहीं लगता है। मुझे बार बार ये चीज़ कहने में ना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं नहीं कहना चाहती पर मैं क्या करूँ, मुझे कहना पड़ता है। तो गाइस आप यूँ ही अपनी प्रतिभा को निखारिए, आगे उभारिए, और मैंने यहाँ पे तैयार करके ये झालर तैयार कर दिए। तो आप बताइएगा आज का DIY आपको कैसा लगा, और देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।